इलेक्ट्रिक आटे का गेहूँ पीसने की मशीन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये गेहूँ पीसने की मशीन है, एक 5 फीट की मशीन है। बस इतना ही ज़्यादा लगता है आपको ये मशीन को बैठाने में। कुछ इलेक्ट्रिक ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू इस मशीन को चलाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार के। और मैं आपको इसके जो जो इसको ऑपरेट करते हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा, जिनका नाम है वीर बहादुर जी। हेलो सर। तो सर आप कुछ बताएंगे इस मशीन के बारे में, इस मशीन में आटा वगैरह पीसने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, या क्या आपको वो अच्छा लगता है पहले के मशीन के मुताबिक, इस मशीन में क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। कि जैसा आप खोजेगा वैसा आपको मिलेगा। मोटा खोजेगा मोटा मिलेगा, मीडियम खोजेगा मीडियम खोजेगा मीडियम मिलेगा। जो जिस प्रकार का जो आटा आप लोग बाजार में खाते हैं वही आटा आपको यहाँ पर हमारे देवेंद्र चक्की आटा आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि सर कुछ महीने बाद हमारा आटा निकल रहा है, जो देवेंद्र आटा के नाम से निकलेगा। देवेंद्र हमारे पिताजी का नाम है और हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट रहेगा। और हमें आशा और विश्वास है कि आप जिस तरह से सभी आटा का यूज किए हैं और ये हमारा है, बिल्कुल चालने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम फ्रेश आटा आपको मिलेगा। एक बार खाइएगा बार बार आइएगा। तो देखिए ऐसा है, इनके जो ये मशीन है इसमें खासियत ये है कि ये जो इनके आटे चक्की की मशीन है इसमें बिल्कुल जैसे आप मार्केट में किसी भी प्रकार का आप आटे का जो कंपनी के जो पैकेट वाले आटे उठाते हैं, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए क्या कहना चाहते थे। आशीर्वाद हो गया, जैसे जो आशीर्वाद आटा हुआ या गंगा हुआ, उसी प्रकार का हमारे पास ये आटा मिलेगा। अच्छा, ये अभी आपने ये अभी क्या पीसा है? अभी हमने गाय का दरा, थोड़ा दिखाइएगा नज़दीक से सर, गाय का दरा है। देखिए इन्होंने अभी गाय का दरा पीसा है, इसको भी ये दिखा रहे हैं कितना फ्रेश है। और जो और भी आटा चक्की हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं उनके मुकाबले इस आटा चक्की का बहुत बड़ी अच्छा, मतलब उससे काफ़ी अच्छा ये निकालता है। और इन्होंने आटा भी दिखाया और ये दरिया था, अभी दरिया भी इन्होंने पीसा है। और कुछ ही दिनों के बाद ये अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं देवेंद्र आटा के नाम से, जो कि 5 kg 10 kg और 15 या और 25 kg है ना सर? जी। तो सर इन सब में आपके मार्केट में आने वाले हैं आटे जी, तो आप अभी कहाँ से इसका मार्केटिंग शुरू करेंगे? अभी तो हमारे बगल में छोटा बाजार है, सरैया बाजार सर, उसके बाद आरा हुआ और सरैया साइड में इधर बलुआ हुआ, उधर धुबहा हुआ और गुणी छोटा मोटा जो हमारा कस्बा है गांव, मतलब छोटा मोटा जो कस्बे हैं और जो छोटे मोटे आपके नज़दीक में बाज़ार हैं आप वहां पे अपने प्रोडक्ट को पहले मार्केटिंग दीजिएगा जी। और आपका जो ये आटा है देवेंद्र आटा, तो इसको आप मतलब क्या कुछ कम रेट में बाज़ार में ला रहे हैं? हाँ, वो मतलब कम रेट में तो लाना है, मतलब औरों से और जो आटे आज के डेट में जो भी फेमस आटे हैं उनसे आप कुछ कम रेट में दीजिएगा, 1-2 रुपये, उसके बारे में आप कुछ बताइए। अरे उसके बारे में क्या कहना है, यही है कि हमारा जो आटा जो चल रहा है उससे बाजार में हम आपको सस्ते रेट में देंगे और सबसे अच्छा क्वालिटी का आपको देंगे।
मतलब मेन कहना है आपका कि आप सबसे अच्छा चीज़ देंगे, जी जी कम रेट में देंगे लेकिन उससे अच्छा चीज़ देंगे। तो क्या आपके आप जो ये आटा इस मशीन से पीसते हैं तो क्या इसमें चोकर वगैरह निकलते हैं? जैसे कि बहुत सारे मशीन में हम लोग आटा पिसवाते हैं तो 5 किलो 7 किलो चोकर निकल जाते हैं, तो आटा हमारा इन्वेस्ट मतलब बेकार हो जाता है। जिसके पास गाय वगैरह हैं वो तो यूज कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो 5 किलो आपका आटा वेस्टेज चला जाता है। तो आपके मशीन में क्या क्या खास है? ऐसा हमारे मशीन में कुछ नहीं है। और रही बात जैसे और भी जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 5 किलो आटा वेस्टेज जाता है चोकर में, आपके मशीन में वो 5 किलो आटा बच जाता है। तो लगभग मान के चलिए कि 30 के रेट से अगर आटा है सपोज दैट, तो मतलब आपका 150 रुपया आपके पास पिसाई करवा के आप 150 रुपये का बचत कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं? मतलब आपके आटे चक्की पे अगर जो भी आटा पिसवाता गेहूं पिसवाता है तो उसको कम से कम 150 रुपये का इनकम है। मान लीजिए जो चोकर में आटा वेस्टेज होता था वो चोकर आपके मशीन में नहीं निकलता है, तो क्या है कि वो आपका 5 किलो आटा किसी का 5 किलो चोकर निकल जाता है, तो आपका बचत हो जा रहा है आपके इस मशीन में, यही कहना चाहते हैं?